मतलब आप इसको एक ऐसा फास्ट चार्जिंग सर्किट बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इतना ही, ये रहा उसका अंदर का पार्ट्स। आप देख सकते हैं कितना अच्छा केस मिला है इसके साथ, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट पैकिंग के साथ ये ड्रोन आता है। एक महीना यूज कर चुके हैं, ठीक है, एक महीना यूज किए, इसको चलाए हैं, अच्छा से धुन के चलाए हैं, उसके बाद ही आपको ये जो वीडियो है ये शूट कर रहे हैं, ताकि आपको एकदम रियलिटी दिखा सके। मतलब इसका सबसे बड़ा खराबी है इसका बैटरीज, ठीक है, दो दो को बैटरी मिलता है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका, कि बहुत अच्छा बात है, ये दो दो बैटरीज आता है इसके साथ साथ। लेकिन इस बैटरीज का खराबी ये है कि कंपनी क्लेम करता है, जो M3 Max का कंपनी जो भी है वो क्लेम करता है ये आधे घंटे एक बैटरी आधा घंटा बैकअप देगा, और दो बैटरी लगभग एक घंटा, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस, आपको लिटरली बता रहे हैं एक बैटरी लगभग 8 से 10 मिनट बता रहे हैं, लिटरली बता रहे हैं 8 से 10 मिनट से ज़्यादा बैकअप नहीं देता है, ठीक है। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सपोज करने वाले हैं M3 Max को। मतलब ये इतना पॉपुलर है तो है क्यों भाई, ये मतलब इसमें क्या है ऐसा खूबी जिसके वजह से ये इतना ज़्यादा बिक रहा है, इस चीज़ के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। प्लस इस पर क्या क्या प्रॉब्लम्स है और उसका क्या सोल्यूशन है, प्रॉब्लम्स प्लस सोल्यूशन दोनों डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है भाई, भर भर के इन्फॉर्मेशन दिए हैं आपको, एकदम बिल्कुल अफसोस नहीं होगा इस वीडियो देख के, तो एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये इतना पॉपुलर क्यों है। पॉपुलर होने का रीज़न ये है कि ये आता है BLDC मोटर के साथ। भाई BLDC मोटर, आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं BLDC मोटर का। भाई 3000 के अंदर, 3,500 के अंदर आपको BLDC मोटर का के साथ आपको एक ड्रोन कैमरा मिल रहा है। मतलब समझ रहे हैं आप, BLDC जो हल्का फुल्का भी नॉलेज रखते हैं ड्रोन का, उसको पता होता है कि BLDC मोटर का प्राइस क्या होता है। BLDC मोटर का प्राइस होता है लगभग 1000 से 1500 रुपया विथ ESC, क्योंकि बिना ESC का BLDC मोटर चलता ही नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है, ठीक है आपको। तो ये रहा उसका अंदर का पार्ट्स, आप देख सकते हैं कितना अच्छा केस मिला है इसके साथ, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट पैकिंग के साथ यह ड्रोन आता है। आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं गाइस, हमको झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहते हैं, ये ड्रोन हम लगभग एक महीना यूज कर चुके हैं, ठीक है, एक महीना यूज किए, इसको चलाए हैं, अच्छा से धुन के चलाए हैं, उसके बाद ही आपको ये जो वीडियो है ये शूट कर रहे हैं, ताकि आपको एकदम रियलिटी दिखा सके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इस ड्रोन का। ये देखिए ड्रोन, ये है उसका ड्रोन, आप देख सकते हो भाई इसका मोटर, आप देखो खुद देखो इसका मोटर कितना क्यूट है भाई, कितना छोटा सा एकदम, मतलब कितना मस्त है इसका जो मोटर है। उसके बाद ये है उसका ऑब्स्टिकल डिटेक्शन का, ये भी बहुत अच्छा तरीके से काम करता है, ठीक है। उसके बाद चलिए इसका बाकी सामान का बात कर लेते हैं। इसके साथ मिलता है आपको दो बैटरीज, भाई दो बैटरीज आपको मिलता है इसके साथ साथ। मतलब देख लीजिए, इसमें हम नंबरिंग भी किए हुए हैं, 1 और 2, ये 2, ताकि हम कन्फ्यूज ना हो जाए किसको चार्ज, कौन चार्ज है कौन चार्ज नहीं है, ठीक है, हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कभी, इसलिए इसमें नंबरिंग कर दिए हैं। उसके बाद ये आपको मिलता है ट्रांसमीटर, ठीक है, रिमोट कंट्रोल बोलते हैं, रिमोट कंट्रोल, यहाँ पर आप इसका, आपको यहाँ पर आप मोबाइल लगा सकते हो, ये देखिए यहाँ पर आप अपना मोबाइल लगा सकते हो, यहाँ पर लग जाता है, काफ़ी अच्छे तरीके से लग जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए उसके बाद आता है आपको ये, आप कुछ प्रोपेलर्स और प्रोपेलर गार्ड्स और स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। उसके बाद कुछ गाइड्स मैनुअल, ठीक है, जिसमें आपका जो ऐप का लिंक है वो आपको इस QR, यहाँ पर QR रहेगा, उसके थ्रू आपको मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ पर आप लाइव वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं, हम ये वीडियो क्यों शूट कर रहे हैं, ठीक है, आपको हल्का फुल्का अनुभव से तो दिखाई दिया, ठीक है। इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है इस वीडियो को शूट करने का, वो है ये फ्यूचर में इसमें क्या क्या खराबी हो सकता है, या फिर क्या क्या खराबी इसमें है और उसको कैसे ठीक करना है, वो चीज़ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले थे। चलिए बकवास बंद किए, सबसे पहले बात करते हैं इसका बैटरीज की। इसका सबसे बड़ा खराबी है इसका बैटरीज, ठीक है, दो दो को बैटरी मिलता है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका, कि बहुत अच्छा बात है, ये दो दो बैटरीज आता है इसके साथ साथ। लेकिन इस बैटरीज का खराबी ये है कि कंपनी क्लेम करता है, जो M3 Max का कंपनी जो भी है वो क्लेम करता है ये आधे घंटे एक बैटरी आधा घंटा बैकअप देगा, और दो बैटरी लगभग एक घंटा, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस, लिटरली बता रहे हैं 8 से 10 मिनट से ज़्यादा बैकअप नहीं देता है, ठीक है। तो दो बैटरी मिलाकर लगभग 20 मिनट, और पता है इसका और एक खराबी क्या है, इसको चार्ज होने में लगभग बता दे रहे हैं आपको 45 मिनट लगता है, लगभग दो बैटरी को चार्ज होने में लगभग 90 मिनट, समझ रहे हैं आप, 10 मिनट 20 मिनट बैकअप मिलेगा और आपको चार्ज पड़ेगा लगभग 2 घंटा, ये बहुत ही नाइंसाफी है। और इसी प्रॉब्लम के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, ठीक है। ये 1800 mAh का बैटरी है, 1800 mAh का बैटरी है, इसका मतलब ये चीज़ का चार्जिंग करंट लगभग होने वाला है 700 mA से 1000 mA, मतलब लगभग एक एम्पेयर समझ लीजिए इसका चार्जिंग करंट होगा, ठीक है, एक। और आप देख सकते हैं कोई भी आप चार्जर देखिए, हम जैसे इस सैमसंग का चार्जर पकड़ रहे हैं, इसमें आउटपुट जो है वो 5 वोल्ट पे 2 एम्पेयर है, और इधर भी है 9 वोल्ट पे, ये 5 वोल्ट पे काम करता है, ये 5 वोल्ट पे चार्ज होगा, इसलिए हम 5 वोल्ट पे ही इसका यूज करेंगे। ये जो 9 वोल्ट है ये फास्ट चार्जिंग के लिए होता है, ठीक है। तो फास्ट चार्जिंग ये सपोर्ट नहीं करेगा, बैटरी पर भी डिपेंड करता है फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। ये आपको हम ये करके दिखाते हैं एक बार, ठीक है, और ऐसा हम कर चुके हैं, ऐसा बात नहीं है कि अभी आपके सामने हम करेंगे, ऐसा हम कर चुके हैं, बस उसको हम आपके सामने आपको लाकर दिखाएंगे, ठीक है। और उसको हम यूज कर रहे हैं लगभग एक महीने से, उसको हम यूज भी कर रहे हैं, तभी आपको लगे, चलिए आपको ला कर दिखाते हैं, ठीक है। ये रहा,
ये रहा वो चीज़ जिसका हम बात कर रहे हैं। ये थोड़ा गंदा हो गया, अभी पहले शुरू शुरू में नया था, अच्छा था, लेकिन अभी ये थोड़ा गंदा हो गया क्योंकि बहुत दिन यूज किया है ना, इसीलिए आप देख सकते हैं ये जो एक यूएसबी केबल है, एक यूएसबी केबल से दो आउटपुट निकल रहा है, ठीक है, जिससे हम दोनों ही बैटरी को एक साथ चार्ज कर सकें। बहुत कोई सोच रहे होंगे कि इसका 10% चार्ज है, ये अगर 70% चार्ज है तो इसका बैटरी इधर आएगा, चार्ज इधर आएगा, ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसमें रिवर्स चार्जिंग अलाउ नहीं है, क्योंकि इसमें मॉड्यूल बाय डिफॉल्ट मॉड्यूल लगा हुआ है, हम इसको खोल के चेक कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कनेक्ट कर दिए और इसको हम ऐसे कनेक्ट कर दिए, ठीक है, कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्टली यहाँ पर चार्जर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास ये एक्सटेंशन केबल है, ये रहा, आप देख सकते हैं, जिससे हम थोड़ा दूर से ही इसको चार्ज कर सके। आपको दिखाने के लिए यहाँ खपेगा, उसके बाद ये खपेगा आपका चार्जर में, ठीक है, ये लगेगा आपका चार्जर में, ठीक है, लगेगा आपका चार्जर में, और दोनों एक साथ चार्ज होगा, आपको दिखाना चाहते हैं हम, ठीक है। और ये देखिए हम इसको कनेक्ट कर चुके हैं और आप देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों का इंडिकेशन, जो चार्जिंग इंडिकेशन है वो जल चुका है। और आपको हम बता दीजिए, जब फुल चार्ज होता है तब इसका जो लाइट है, रेड लाइट, ये बंद हो जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोनों ही बैटरी एक साथ चार्ज हो रहा है, ठीक है। रोल ऑफ का यही सोल्यूशन हुआ कि आपका जो चार्जिंग टाइम है वो आपको घटा दिया, मतलब एक एज अ मतलब आप इसको एक एज अ फास्ट चार्जिंग सर्किट बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इतना ही आज के वीडियो में, मिलते हैं एक और नए शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।